ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਟ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪ ਉਨ ਤੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਨਕੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ आज हम आए हैं बिनारा नर्सरीज पे जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी नर्सरीज हैं और साथ मेरे वाले साहब हैं तो हमारा भी बिज़नेस है उधर पाकिस्तान में पतोगी में तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा विज़िट करवाएं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि इंटरनेशनल मार्केट क्या है और पाकिस्तान में क्या सीन है तो अभी हम आए हैं बिनारा नर्सरी पर हम आपका इसको विज़िट करवाएंगे कि बहुत ही खूबसूरत नर्सरी और ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो है वो बड़ी नर्सरी है बिनारा नर्सरीज के नाम से जो कि पर्थ से तकरीबन 70 किलोमीटर नॉर्थ की जानिब लोकेटेड है तो अभी हम आपको अंदर इसका विज़िट करवाएंगे आपको सारा सेटअप दिखाएंगे कि कैसे इनका सेटअप है कैसे मतलब आपने मतलब परचेज़ करना है कैसे आपने पेमेंट करनी है और मतलब अंदर कॉफ़ी शॉप या जो कुछ भी है वो है हम आपको इंशाल्लाह अंदर नर्सरी में दिखाते हैं और ये जी इनका है चेकआउट पॉइंट कि जब आपने परचेज़ कर लिया आपने ट्रॉली लेनी है ट्रॉली लेके आपने जो आपको पसंद है वो परचेज़ करें परचेज़ करके आके इधर आप पेमेंट करें ये पेमेंट काउंटर है और फिर इधर से आप अपनी गाड़ी में लोड करें और ले जाएँ और ये है नर्सरी मतलब जो उनका आउटलेट है बाकी इनका काफ़ी जो रकबा है मेरे ख्याल में तकरीबन 200-300 एकड़ पर ये नर्सरी है और ये जो है इनका मतलब आउटलेट है जिसमें डिस्प्ले किया हुआ है इन्होंने और डिस्प्ले देखिए कि कैसे अच्छे तरीके से किया मैंने पाकिस्तान में ये सब नहीं देखा और हर पौधे की जो है साथ है डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है कि मतलब अगर ये पौधा है ना इधर आ गया है पर अगर ये पौधा हम उठाने तो इस पर देखिए इन्होंने हर चीज़ की वो डिस्क्रिप्शन दी है कि मतलब इंडोर प्लांट है इसकी हाइट क्या होगी इसकी विड्थ क्या होगी और ये मतलब जो गर्मी है वो बर्दाश्त करेगा या नहीं करेगा ये सारा मतलब देखिए कैसा ज़बरदस्त स्पॉट है और इसमें इन्होंने ये जो भी ये मीडियम डाला है पौधे की ग्रोथ के लिए तो ये साथ आप देखें कॉफ़ी शॉप रिलैक्स करें इधर बैठे कॉफ़ी शॉप ही और फिर मतलब आप बहुत बड़ा फार्म है विज़िट करने मतलब एनर्जी आएगी विज़िट करें और ये साथ सामने जो क्लीयरेंस वाला सेक्शन है आए हम आपको दिखाएं कि जो मतलब पौधे इन्होंने क्लीयरेंस पर लगाए हैं चीप रेट पर वो आपको मिल जाते हैं ये बेसिकली होल सेल मतलब वो है नर्सरी जहाँ से बनिंग्स में वो अदर जो दूसरे छोटे नर्सरी फार्म उन पर वो डिलीवरी करते हैं ये है इनका क्लियरेंस सेक्शन यहाँ पे इन्होंने जो पौधे हैं वो जो इन्होंने क्लियर करने हों ये मतलब अपना जो हिस्सा है चीप रेट्स पे क्लियरेंस पे लगा के फिर उस पर वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं और आप इधर से खरीद सकते हैं डिस्काउंट पे बेसिकली ये देखेंगे ये जो मतलब सेटअप है रोड बने हुए हैं ठीक है नर्सरी के अंदर ही डिस्प्ले के अंदर ही ये मतलब बहुत दिलकश है ये मैंने मतलब आज तक नहीं देखा सेटअप पाकिस्तान में तो हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो हमारा नर्सरी फार्म है पतों की तो उस पर ये वाला मतलब इम्प्लीमेंट करें अगर वाले साहब मान गए तो और ये वाला जो सेक्शन है इसमें आप पॉट सेक्शन ठीक है ये सारे पॉट्स जो मेरा ये इंपोर्ट करते हैं और ये फर्टिलाइजर सेक्शन इन्होंने सारा मतलब वो डिस्क्रिप्शन के साथ बताया हुआ था ये किस काम आएगी और इनका रेट्स क्या है इनकी मतलब मकदार क्या है तो ये सब कुछ मेंशन है ना ये पोर्ट सेक्शन हो गया ठीक है पोर्ट्स आते हैं इंटरनेशनल और सॉरी इंपोर्ट करते हैं और ये कुछ लोकल भी मैन्युफैक्चर करते हैं और ये सारी खादे वगैरह पौधों की और ये स्प्रे वगैरह ना तो हर एक की मतलब वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है कि आप ये इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी और इस मौसम में इस्तेमाल करनी है विंटर है समर है ये सारा मतलब ना इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी बिज़नेस के लिए ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो बंदा इधर आए तो अपना वो सेटिस्फाई होके ही जाए मतलब इस तरह के इन्होंने सेटअप बनाया तो अभी ये सिर्फ डिस्प्ले है इनका काफ़ी बड़ा बाकी जो इनका फार्म है वो तो मतलब माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है तकरीबन पहले 200-300 एकड़ पर जहाँ तक नज़र आती है वो आपको वो इनके वो ग्रीन शेड ही नज़र आएंगे ग्रीन हाउसेज ही नज़र आएंगे और ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए इन्होंने देखे डिस्प्ले बड़ा ज़बरदस्त है जो सबसे अच्छी बात है ना देखिए कैसे इन्होंने वो पूरे रोड्स वगैरह बना के तो हर एक की डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है साथ
ये जो सेक्शन है इनका सीडलिंग सेक्शन है, देखना है मतलब उन्होंने जो जो छोटे छोटे बीजों से मतलब सीड से जो तैयार किए ना पौधे, ये सारा इनका सीडलिंग सेक्शन है और उन्होंने मतलब लगा रही है सेटअप करनी है और ट्रैक्टर देखें इनका मतलब सर क्या देखें ये ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल करने के लिए ये सारी प्रणालियाँ और दरअसल में ये वेजिटेबल सेक्शन है। हाँ जी, ये मतलब पालक लगी हुई है जो भाई तो मेथी वगैरह ये वेजिटेबल सेक्शन वेजिटेबल की चीज़ है। स्पिनच होगी ठीक है, पालक जिसे हम कहते हैं ये भी पालक वाला सेक्शन है, ये सिल्वर बीट पता नहीं ये क्या होगा लेकिन ये भी मतलब सारा ये जो वेजिटेबल का सेक्शन है सारा, ये पुदीना हो गया और ये मतलब धनिया वगैरह पालक फिर आ गई, तो मतलब ये सारा मतलब जो आपको ये पट्टी नज़र आ रही है ना ये सारा मतलब वेजिटेबल सीडलिंग की जो है वो है, तो ये सब तैयार हो रहा है इधर और इधर से फिर अभी ये डिलीवरी के लिए निकल जाएगा जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं मतलब बनिंग हो गया या मतलब बड़ी बड़ी छोटी नर्सरीज हैं पर्थ सिटी में, क्योंकि ये नर्सरी जो है ये तकरीबन 60-70 किलोमीटर नॉर्थ की जानी है लेकिन इधर से होल सेल डिलीवरीज जाती हैं उधर पर्थ में। ये देखिए इनका मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम ऊपर वो सारा इन्होंने ना इनको मतलब पानी देने के लिए सारा वो स्प्रिंकलर सिस्टम देखें कैसा इरीगेशन सिस्टम, तो ये भी बड़ा यूनिक है और ये इनका स्प्रिंकलर सॉरी इरीगेशन सिस्टम देखें कितना ज़बरदस्त है वेजिटेबल्स को पानी देने के लिए, मतलब ड्रॉप बाई ड्रॉप उन पर गिर रहा है ठीक है, तो जितने की उनको रिक्वायर्ड है मकदार पानी की वो उनको मिल रही है बड़ा ज़बरदस्त। ये भी मैंने मतलब जो नहीं किया पहली दफ़ा ही देखा है सिस्टम ये वाला। और ये जो इनका जो मेन फार्म है जो प्रोडक्शन एरिया, तो इधर हम नहीं जा सकते स्टाफ के अलावा, इन्होंने लिखा स्ट्रिक्टली नो एंट्री स्टाफ ओनली, तो ये जहाँ तक भी आपको नज़र आएगा ना ये आपको मतलब इनका वो रकबा नज़र आएगा जहाँ पे इन्होंने वो सारा मतलब इनका प्रोडक्शन एरिया है और बड़े बड़े शेड बने हुए हैं। ज़बरदस्त दसवीं फॉर्म है ये, प्लांट है ना उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है इधर सारी, मतलब किस पर्पस के लिए ये होगा, क्या मतलब इसको टेम्परेचर चाहिए, क्या इसका रेट होगा, ए टू जेड मतलब जो भी है ना एक प्लांट की वो क्या इसको रिक्वायरमेंट्स है वाटर रिक्वायरमेंट सब। हमने ये नर्सरी विज़िट की इधर, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैराइटीज़ हैं टोटली, मतलब बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, स्प्रिंकलर सिस्टम इरिगेशन सिस्टम मतलब ड्रेनेज इनका हर ग्रीन हाउसेज हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है और इनके जो नेटिव प्लांट्स हैं वो बड़े दिलकश हैं, तो हम नेटिव प्लांट ऑस्ट्रेलिया में ये बड़ी सकती है कि आप ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर किसी किस्म का भी पौधा ना ला सकते हैं ना सीड ला सकते हैं, क्वारंटीन इनका बढ़ा सकते हैं और इधर से ले जाना भी जो इनके नेटिव है ना मतलब जो लोकल वैराइटीज़ हैं वो आप नहीं ले जा सकते, बड़ी सख्ती है इधर ना। कैंगरू पार्क बड़ा ज़बरदस्त पौधा मेरा बड़ा दिल करता है लेके जाएं लेकिन वो मतलब नहीं है, अगर हम वो ले जाएं पाकिस्तान में तो हम बड़ा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं पत्तों की मेरा, तो अभी हम वाले साहब हैं हमारे साथ हैं और हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्योंकि इनका माशा 30-35 साल का एक्सपीरियंस है नर्सरी से रिलेटेड ना, तो इनसे पूछते हैं कि मतलब इन्होंने क्या फ़र्क महसूस किया ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान में। हाँ जी, दसो कि मतलब कितना फ़र्क आया जरा पाकिस्तान के इतों का ना बहुत फर्क है, इतने टैक्निकल तरीके सारे काम होए हुए हैं बेहतरीन, यानी कि प्यूटमास तैयार है, असी पाकिस्तान इतने मिट्टी तैयार करने गमले जड़ लवाने जो पौधा खेलने अद्धे मर जाते हैं अद्धे बचते हैं, इतने कोई ऐसा मसला नहीं, इतने जड़ पौधे की लगन देंदे ही नहीं, लेकिन इतने जरा अच्छा यानी कि है कि जरा बड़े अच्छे तरीके इन
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਰਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਵਰਾਇਟੀ ਹੋ ਤੋ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਵਰਾਇਟੀ ਹੋ ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਇੱਧਰ ਸੇ, ਨਾ ਬੀਜ ਜਾਣੇ ਦੇਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਜਾਣੇ ਦੇਤੇ। ਚਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਭੀ ਹਮ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਥਾ ਯੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਨਾਰਾ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਕਾ, ਤੋ ਆਪਕਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਪੌਦੋ ਮੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਪੇ ਆਪਕੋ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਪੌਦੋ ਕਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖ ਲੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਮੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਜੌਬ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜਬ ਵੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨਕਾ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਵੋ ਇਸਕੋ ਹੌਬੀ ਬਣਾ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੌਬੀ ਹੈ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਕਾ ਨਾ। ਤੋ ਅਗਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਤੋ ਬਨਾਰਾ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਕੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਭੀ ਹਮ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈਂ ਪਰਥ ਕੇ ਜਾਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਹੋਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਗੇ।